चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज जो सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, प्रदेश की सबसे हॉट सीट लालकुआ की बात करें, कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया, लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोटों की अपील करते नजर आए। हरीश रावत से खास बातचीत हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने की है, देखिए। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ से लालकुआ से प्रत्याशी है और रोड शो निकाल रहे हैं। सर, किस तरह का समर्थन देख रहे हैं आप? अपार जन समर्थन है, मैं लोगों के प्यार और स्नेह के लिए बहुत उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत प्रबल समर्थन है, लोगों में बहुत उत्साह है। सर, किस तरह की अपील है, क्योंकि परसों मतदान है? मुझे अपनी सेवा का अवसर दें, मैं यही अपील है। आज प्रियंका गांधी के रोड शो में कहीं ना कहीं उत्साह दिखा है? हाँ, बहुत उत्साह। प्रियंका जी एक बड़ा जोश भर के गई हैं। कार्यकर्ता हूँ मैं कांग्रेसजनों में। कांग्रेस आती है सर, ऐसे क्या काम होंगे जो जनता के लिए किए हैं? कांग्रेस आती है तो ऐसे क्या काम होंगे जो जनता के लिए किए? पहले तीन कामों के तौर पर हमने जो पांच बड़े वादे किए हैं, हम उन वादों पर अमल प्रारंभ करेंगे। पहले तीन महीनों के अंदर ही अमल प्रारंभ कर देंगे। और दूसरा हम शेष जो हमारे 1100 के करीब चुनावी वादे हैं, उनका एक रोड मैप बना करके उसके किस तरीके से वो क्रियान्वित होंगे, उसके टाइमिंग इत्यादि निर्धारित करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो लालकुआ से प्रत्याशी हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस आती है तो पांच काम लगातार ऐसे करेंगे जिससे राज्य की जनता को बहुत लाभ होगा। आज अंतिम दिन सभी प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हैं। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी।